कितना ये एक एक में हो सकता है अकेला के बाद में भी वैसे तो वो भी केवल शिफ्ट टाइम में ही है इसकी तो ज़्यादा है अगर ये चौथी दफ़ा भी हमारे बीएसपी आ रही है तो फिर हम इसको दूर कर सकते हैं से थोड़ा बड़ा इसके डायग्राम भी हैं अस्सलाम वालेकुम अहमद जिया अहमद जिया एमन यासीन के अलावा काफी प्रेजेंट सर अलिशबा आमना जावेद अनम इम्तियाज प्रेजेंट सर हरिया अलियाज आयशा अफ्तखार प्रेजेंट सर आयशा ताहिर
आयशा ताहिर अजल्फा फैसल प्रेजेंट फराज याकूब प्रेजेंट सर ओसिया नारीन प्रेजेंट सर हाफिज मोहम्मद इब्रार प्रेजेंट सर हमजा अली शान हमजा जावेद इनायतुल्ला यस सर जान देर प्रेजेंट सर जुनैद अहमद रब्बानी यस सर कल्सुम एजाज खालिद हुसैन किंजा खालिद चौधरी लाइबा नसीर प्रेजेंट सर मालिज रसूल प्रेजेंट सर मामा एजाज प्रेजेंट सर मरियम फिजा मसनूना काफी प्रेजेंट सर मोहम्मद इमरान अहमद मोहम्मद उमर 004 यस सर प्रेजेंट मोहम्मद बहजाद अनवर प्रेजेंट सर प्रेजेंट मोहम्मद हसीब शाहिद प्रेजेंट सर मोहम्मद नासिर प्रेजेंट सर मोहम्मद कासिम मोहम्मद शाहजेब इरशाद सर ये मेरे पास का इसका फोन ऑफ है प्रेजेंट सर मोहम्मद शाहजेब यस सर प्रेजेंट सर मेरा माइक खराब है शाहजेब माइक खराब है वैसे साइन इन हो जी जी सर वैसे इन हो ठीक है शाहजेब सर शाहजेब की अटेंडेंस देखना लगा दिए थैंक यू सर मोहम्मद उमर 94 मोहम्मद उमर तो फैल जी सर प्रेजेंट मोहम्मद जबैर यस सर मोहम्मद जोहर मोहम्मद जोहर आपके लगा दिया अटेंडेंस और मोहम्मद उमर 94 उसकी भी अटेंडेंस हो गई है मोहम्मद जोहेब खालिद
का जो है अटेंडेंस हो गई है। मुनीबा उस्मान मुशरफ हुसैन निदा नदीम प्रेजेंट सर, राफिया कमल प्रेजेंट, रिंशा सईद प्रेजेंट, साद अमजद सादिया कयूम यस सर, सफा दरीद ठीक है सफर लगा दिया तुमने। शहबाज अहमद यस सर, शाहजेब जमान यस सर, सिदरा नजीर जी सर प्रेजेंट, उमर हयात यस, वकार अनवर ये सर, जुनैरा जावेद प्रेजेंट सर, जारा फारूक प्रेजेंट, जरमीन अकमल प्रेजेंट, जुनैरा आपकी लगा दी अटेंडेंस। ओके सर थैंक यू। अब वो स्टूडेंट सुन लें जिनके एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। ये हम दागे लगा दें उसका माइक का इशू है। अब मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अटेंडेंस लगवा सकता है। मैं आप लोगों के जो स्टूडेंट एब्सेंट लगाए हैं उनके दोबारा से मैं नाम जो है वो बोल रहा हूँ। अहमद ज़िया, अलिशबा, आमना जावेद, अरिहा लियास, आयशा ताहिर, हमजा अली शान, हमजा अली शान की अटेंडेंस हो गई है। मरियम फिजा, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद कासिम, मुशर्रफ हुसैन, सफाई रेस की अटेंडेंस हो चुकी है पहले। लास्ट टाइम यू हैव स्टडीड हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ कैन वी मॉनिटर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन at different intervals. When we calculate the rate of reaction at any time, then the rate of reaction is called instantaneous rate of reaction. And if we calculate the rate of reaction after small interval of time, the rate of reaction is called average rate of reaction. Rate of reaction जिसको हम किसी भी time पर
कैलकुलेट करते हैं वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कि जिस तरह आप लोगों ने मिक्सअप किया है, मिक्सअप करने के फौरन बाद रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उसको कहते हैं जिसको आप लोग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को जो कैलकुलेट करते हो वो आप लोगों के पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह आप लोग किसी बाइक पर जो है कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करते हो तो उस कंडीशन में जितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है हम उसको एवरेज स्पीड कहते हैं। अब वो स्पीड बाज़ जगह पर कम भी हुई होगी और कहीं पर जो है उसकी स्पीड उससे ज़्यादा भी होगी। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद जो कैलकुलेट करते हैं तो उसका एवरेज आप लोग कैलकुलेट करते हो, जिस तरह आप लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान डिफरेंट रीडिंग जो है वो हासिल करते हो, पहली रीडिंग हासिल हुई है, दूसरी रीडिंग हासिल हुई है, तीसरी रीडिंग हासिल हुई है, उसके बाद आप लोग एवरेज रिजल्ट कैलकुलेट करते हो और उसको आप लोग फर्दर यूज़ करते हो। अब जो आप लोग वो तीन रीडिंग को सम करके थ्री से डिवाइड करके जो आप लोग हासिल करते हो वो आप लोगों के पास एवरेज रिजल्ट होता है। और जो आप लोगों के पास फर्स्ट रीडिंग आती है या दूसरी रीडिंग आती है या थर्ड रीडिंग आती है वो आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस रीडिंग होती है। इसका मतलब है कि आप लोग किसी भी टाइम के दौरान जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर वो टाइम इंटरवल एक से ज़्यादा हो, यानी कि डिफरेंट टाइम के बाद आप लोगों ने रीडिंग कैलकुलेट की है तो उसका जिस वक़्त हम सम करके उसी नंबर से डिवाइड करके जो वैल्यू हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जिस तरह आप लोगों के पास ये रिएक्शन हुआ है, आप लोगों ने आफ्टर 5 सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर किया है जिसके ज़रिए आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हासिल हुई है 3.2। उसके बाद आप लोग आफ्टर 10 मिनट रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर करते हो जिसके ज़रिए आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हासिल होती है 2.6। अब आप लोग डायरेक्ट अगर 0 से 10 सेकंड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इन टाइम इंटरवल का एवरेज कैलकुलेट करना है। यानी फर्स्ट जो इंटरवल के ज़रिए अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हुआ है इसको सम करना है सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन के साथ और डिवाइड करना है 2 से, तो जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है वो 2.9। अब ये आप लोगों के पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 सेकंड। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसको आप लोग आफ्टर 10 सेकंड के बाद जिस वक्त आप लोग मॉनिटर करते हो तो उस कंडीशन में ये रेट ऑफ रिएक्शन इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से लो है, लेकिन जिस वक्त आप लोगों ने फर्स्ट 5 मिनट में जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मीन पोजीशन होती है या मिड पोजीशन होती है जिससे अबव एंड बिलो एक लिमिट होती है जिसके दौरान अगर आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन हासिल होता है तो उस कंडीशन में वो एक्सेप्टेबल होता है, आप लोगों का रिजल्ट जो है एक्सेप्टेबल होता है। जिस तरह इसकी 3.2 और 2.6 इस एवरेज वैल्यू की अपर एंड लोअर लिमिट्स हैं। तो अगर आप लोग विद इन 10 सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर करते हो और मॉनिटर करने के बाद अगर आप लोगों का आंसर जो है वो 2.6 से अबव हो और 3.2 से लोअर हो तो आप लोगों का आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, और अगर इन वैल्यूज से अवे होता है यानी कि 3.2 से ग्रेटर हो या
2.6 से लो हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं है। ये आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास एवरेज या मीन पोजीशन है, और ये आप लोगों के पास इसकी एवरेज या अपर एंड लोअर लिमिट्स हैं। और अगर आप लोगों का पास आंसर जो है इन अपर एंड लोअर लिमिट्स के दरमियान आता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का आंसर एक्सेप्टेबल है। इस रीजन को हम जोन कहते हैं। जोन वो रीजन है जिसके अंदर आप लोगों का रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप लोगों का रिजल्ट इसके इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप लोगों का आंसर ठीक नहीं है। इसी तरह आप लोग फर्दर 5 सेकंड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हासिल होता है 2.4। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 1.8। उसके बाद अगर आप लोग 0 to 20 सेकंड में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज को जो है सम करना है और 4 से डिवाइड कर देना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है आफ्टर 10 सेकंड ऑलमोस्ट जो है वो 2.1 हासिल होता है। इसके बाद अगर आप लोग आफ्टर 25 सेकंड का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो उसकी वैल्यू आप लोगों के पास हासिल होती है 2.3। और ये आप लोगों के पास, ये जो आप लोगों के पास वैल्यूज हासिल हुई हैं आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 15 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड एंड आफ्टर 25 सेकंड, ये आप लोगों के पास अपर एंड लोअर लिमिट्स हैं और ये वैल्यू जो है इसका एवरेज रिजल्ट है। इसका मतलब है कि विद इन 0 to 25 सेकंड या 5 to 25 सेकंड के दरमियान अगर आप लोग किसी भी वक्त इंस्टेंटेनस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका आंसर जो है मैक्सिमम 3.2 आना चाहिए और मिनिमम 1.6 आना चाहिए। अगर इस रीजन के दरमियान आप लोगों का आंसर आता है तो इसका मतलब है वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज आप लोगों का रिजल्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरह हम डिफरेंट इंटरवल के साथ रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके साथ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कर लिया था कि किस तरह आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के जरिए आप लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप के जरिए आप लोग उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली स्लोप जो है रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अगर स्लोप नेगेटिव में है इसका मतलब है कि आप लोगों के पास कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और अगर स्लोप पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। उसके बाद ये आप लोगों को एग्जाम्पल लास्ट टाइम करवाई थी या नहीं करवाई थी? सर की थी। के बाद ये एग्जांपल भी हमने कर ली थी। और भी दिया था। ये हमने लास्ट टाइम कर लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था रेट लॉ। According to rate law, rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant and number of moles of reactant species are right on the power of the concentration of reactant species. Rate of reaction जो है reactant species के molar concentration के directly proportional है, कि जिस तरह आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास एक रिएक्शन है ए और बी जिसके जरिए आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके मोलर कंसंट्रेशन की पावर में हम इस स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो उस कंडीशन में 1 लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो 2 लिखते हैं, 3 है तो 3 लिखते हैं। अब ए और बी दो रिएक्टेंट हैं
और ये स्केयर ब्रैकेट जो है वो मोलर कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रही है, ये एन और एम यहाँ पर आप लोगों ने एन नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो स्मॉल ए होगा और एम जो है यहाँ पर ये स्मॉल बी होगा। जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही आप लोगों ने लिखने हैं। जिस तरह यहाँ पर जो है वो एन होगा और यहाँ पर जो है वो स्मॉल एम होगा, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके इक्वल होगा। और अगर हम चाहते हैं इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना, ऑर्डर जो है वो इन मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है उसका सम होती है, तो ऑर्डर इक्वल होगा एन प्लस एम के, और इसका सम अगर वो जीरो के इक्वल आता है तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है। अगर इन दोनों का सम जो है वन के इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर जो है वो वन है, और अगर इसका टू के इक्वल आता है तो ऑर्डर टू है, अगर थ्री के इक्वल आता है तो उस कंडीशन में ऑर्डर जो है वो थ्री है। इसके बाद है कुलियन थ्योरी। कुलियन थ्योरी ये है कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी एक दूसरे के साथ कुलियन शो करेंगी, एक दूसरे के साथ टकराएंगी, और जिस वक्त वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि रिएक्शन हो भी सकता है रिएक्शन नहीं भी हो सकता। अब रिएक्शन किस वक्त होगा किस वक्त नहीं होगा इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप लोगों के पास इफेक्टिव कोलिजन होती है, इफेक्टिव कोलिजन वो वाली कोलिजन जिसके दौरान रिएक्टेंट स्पीशी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, और इन इफेक्टिव कोलिजन ऐसी कोलिजन जिस कोलिजन के बाद रिएक्टेंट स्पीशी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। मरी मैं आपके अटेंडेंस लगा दिए क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, नए बॉन्ड बनते हैं पुराने बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि जब भी बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो उस कंडीशन में हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, और जब भी न्यू बॉन्ड बनता है तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो एनर्जी आप लोगों को चाहिए जो रिक्वायर्ड है जिसके जरिए बॉन्ड जो है ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सके। अगर आप लोग उससे कम एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इसका मतलब है कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि पुराने बॉन्ड ब्रेक हो सके, तो उस कंडीशन में कुलियन जो है इफेक्टिव कुलियन नहीं होगी, इनअफेक्टिव कुलियन होगी। इनअफेक्टिव कुलियन में प्रोडक्ट नहीं बनेंगे लेकिन अफेक्टिव कुलियन में प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरा ये है कि जब भी कुलियन हो तो कुलियन के दौरान रिएक्टेंट स्पीशी की प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तो जिस तरह है ए को ए के साथ ही मिलना चाहिए बी के साथ नहीं मिलना चाहिए, कि ए को ये ना हो कि कुलियन के दौरान ए ए से ही कुलियन करे, ये ना हो कि ए बी के साथ कुलियन करे, क्योंकि अगर ए बी के साथ कुलियन करता है तो इसका मतलब है कि उस दरमियान तो इंट्रैक्शन ही नहीं होगी, तो इंट्रैक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती, जिस वक्त बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि नया बॉन्ड या प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए वो कहता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा जब भी कुलियन हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से पुराने बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो सकें, और दूसरा आप लोगों के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से रिएक्टेंट यानी कि ए ए के साथ ही कोलिजन करे बी के साथ कोलिजन ना करे,
तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इफेक्टिव कोलिजन होगी, अगर आप लोगों के पास एनर्जी भी होगी और रिएक्टेंट स्पीशी की प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी कोलिजन के दौरान, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, और जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और जिस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कोलिजन शो करते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और उस स्टेट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। ये वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन के अंदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन शो करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिस दौरान उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। अब सपोज ये आप लोगों के पास कोलिजन हो रही है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये आप लोगों के पास दूसरा मॉलिक्यूल है। अब सपोज जो है, अब इसने ये जो रेड कलर का है, इसने कोलिजन कर या कंबाइन होना है इसके साथ, तो जिस वक्त ये इसके साथ टकराएगा तो उस कंडीशन में इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और जिस वक्त इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्टेट। और जिस वक्त ये स्पीशी एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होती है होने के बाद, जी सर जो एक्टिवेटेड स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट है, जी ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, कोलिजन थ्योरी में हम इसको एक्टिवेटेड स्टेट भी कहते हैं, जो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जनरेट होती है और फौरन से या तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, या ये कह सकते हो सबसे ज्यादा कम स्टेबल फॉर्म जो है उसको हम एक्टिवेटेड स्टेट या कम एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस दौरान रिएक्टेंट स्पीशी की एनर्जी मैक्सिमम होती है, और आप लोगों को पता है कि जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी इसका मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मिनिमम होगी। इसके बाद अब कोलिजन जो है वो या ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल की किस तरह सूटेबल होती है। सपोज आप लोगों के रिएक्टेंट ने, यानी कि इस रेड कलर के रिएक्टेंट स्पीशी ने इसमें से मॉलिक्यूल में से इस रेड कलर के साथ बॉन्ड बनाना है, न्यू बॉन्ड बनाना है। अगर ये रेड कलर का मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल जो है इसके साथ कोलिजन करेगा, टकराएगा, तो इसका मतलब है कि इसने तो इसके साथ बॉन्ड ही नहीं बनाना, तो उस कोलिजन का कोई फायदा नहीं है, उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और उस कंडीशन में जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये कोलिजन जो है इनअफेक्टिव कोलिजन, इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। और अगर ये वाला रेड रिएक्टेंट जो है इस मॉलिक्यूल के रेड पार्ट के साथ कोलिजन शो करता है, तो उस कंडीशन में ही इसके और इसके दरमियान बॉन्ड बन सकता है। जिस तरह ये आप लोगों के पास पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें यह आप लोगों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ कोलिजन शो कर रहा है। अब जिस वक्त ये इसके साथ कोलिजन शो करेगा, इसका मतलब है कि ये इसके साथ तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इसने इसके साथ बॉन्ड बनाना है। जिस वक्त ये इसके साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब है टकराने का, कोलिजन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जस्ट जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, इसके अलावा न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर ये जो है इस ऑक्सीजन के साथ ये मॉलिक्यूल टकराता है, तो उस कंडीशन में न्यू बॉन्ड बनने के चांस हैं। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। अब पहली तो ओरिएंटेशन कंप्लीट होगी, सेकंड अगर कंडीशन ये कोलिजन सेटिस्फाई करती है तो उस कंडीशन में ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा।
और सेकंड कंडीशन क्या है, चेन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए जिसकी वजह से पुराने ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हों और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके, तभी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये आप लोगों के पास एक एग्जांपल है जिसमें आप लोग रिएक्शन करवाते हो नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड का, नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड के साथ, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है। अगर आप लोग इसके कोलिजन करते हो, यानी कि इसका इसके साथ कोलिजन करते हो, इस क्लोरीन के साथ कोलिजन करते हो, तो उस कंडीशन में ही प्रोडक्ट बन सकता है, क्योंकि न्यू बॉन्ड जो है वो इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के दरमियान बन रहा है। और अगर ये क्लोरीन जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ कोलिजन करता है तो उसने अपने बॉन्ड बनाना ही नहीं है, जिस वक्त बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो इसका मतलब है तो रिएक्शन नहीं होगा, और जिस वक्त रिएक्शन नहीं होगा इसका मतलब है कि आप लोगों का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये जो दिया हुआ है वो ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये क्लोरीन है, इसी तरह ये आप लोगों के पास नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है। अगर आप लोगों के पास ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोलिजन करते हैं तो उस कंडीशन में भी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि इस कोलिजन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसको भी हम इनइफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। और जिस वक्त आप लोगों के पास ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन के साथ कोलिजन करती है तो उस कंडीशन में भी न्यू बॉन्ड नहीं जनरेट होता है, इसका मतलब है कि इस कंडीशन में भी इस ओरिएंटेशन में भी कोलिजन जो है वो इनइफेक्टिव है। इफेक्टिव कोलिजन उसी वक्त होगी जिस वक्त क्लोरीन एटम जो है दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन एटम के साथ कोलिजन शो करेगा, और जिस वक्त कोलिजन शो करेगा तो इनके दरमियान जो है इंट्रैक्शन जनरेट होगी, और जिस वक्त इनके दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होगी तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन और क्लोरीन के दरमियान से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और एक जिस वक्त ऑक्सीजन और क्लोरीन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उस कंडीशन में क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होगी, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस जो है वो जनरेट होगी। इसका मतलब है कि एक तो आप लोगों के पास एनर्जी होनी चाहिए, दूसरी जब भी कोलिजन हो तो वो प्रॉपर ओरिएंटेड हो, अगर उसमें स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं होगी तो उस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। उसमें सर जी सर जो इनइफेक्टिव कोलिजन होती है, जैसे अगर नाइट्रोजन जैसे उसमें था वो ऑक्सीजन के साथ अगर कोलाइड कर रहा था तो इस ऐसे कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर होती है? एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है लेकिन अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होती है। ओके सर इसके बाद है कैटालिसिस। कैटालिसिस बेसिकली कैटालिसिस वो रेट ऑफ रिएक्शन है जिसके दौरान रिएक्टेंट जो है स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान लोग कैटालिस्ट यूज करते हो उनको रिएक्शन कौन कैटालिसिस कहते हैं। एक्सक्यूज मी सर आप लोग जी सर शोर बहुत हो रहा है, वो इतना समझ नहीं लगती थी। ये आप वाली साइड पर शोर ज्यादा हो रहा है, मेरी वाली साइड पर शोर नहीं हो रहा है। जब भी आप लोग कैटालिस्ट यूज करते हो कैटालिस्ट का बेसिक पर्पज यही होता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो, आप लोगों का रिएक्टेंट जो है स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो।
कैटलिस्ट का ये फायदा होता है कि आप लोगों के रिएक्टेंट को स्पीड के साथ शॉर्ट टाइम इंटरवल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, और उस केमिकल के दौरान कैटलिस्ट जो है वो कंज्यूम नहीं होता है, वो सिर्फ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और लास्ट में रीजनरेट हो जाता है। बेसिकली कैटलिस्ट जो है ये काम करता है कि आप लोगों के जो एक्टिवेशन स्टेट है उसके पोजीशन को लो कर देता है, कि जिस तरह इनिशियली आप लोग रिएक्शन करवाते हो ओजोन का एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, तो उस कंडीशन में दोनों में कोलिजन होगी, कोलिजन होने के बाद ये आप लोगों को पास ट्रांजिशन स्टेट हासिल होती है। और ट्रांजिशन स्टेट ऐसी कि जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट की मैक्सिमम एनर्जी है, तो ये वाले ओजोन प्लस ऑक्सीजन दोनों को लियन कर रहे हैं, कोलिजन के दौरान इनकी स्टेज यहाँ पर पहुँची है। और उसके बाद अगर आप लोग इनके पास सफिशेंट एनर्जी है, स्लाइटली एक्सेस एनर्जी है, तभी ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर इनमें मजीद एनर्जी नहीं है तो उस कंडीशन में ये दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर सफिशेंट एनर्जी है तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज ट्रांजिशन स्टेट से ये दोबारा से रिएक्टेंट स्पीशी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो कैटालिस्ट इस बैरियर हाइट को लो कर देता है, तो जिस तरह पहले ये रिएक्टेंट जो है इतनी एनर्जी हासिल करेंगे उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर आप लोग कैटालिस्ट ऐड कर देते हो तो वो कैटालिस्ट जो है इस बैरियर हाइट को कम कर देता है। अब इन मॉलिक्यूल के लिए पहले यहाँ पर जाना फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना मुश्किल है, एज़ कम्पेयर टू कि ये रिएक्टेंट स्पीशी इस बैरियर हाइट से फ्लो करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब जाहिर है इसमें से मूव करना इनके लिए आसान है, इसी वजह से जिस वक्त हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो वो कैटालिस्ट जो है इस बैरियर हाइट को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ये रिएक्टेंट स्पीशी आसानी के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप लोग कैटालिस्ट ऐड नहीं करते तो उस कंडीशन में इनके लिए टफ टाइम होता है कि पहले ये इस बैरियर हाइट पर जो है वो इंक्रीज हो, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो और उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। और कैटालिस्ट की मदद से ये हाइट जो है नीचे की तरफ आ जाती है, लोअर हो जाती है एनर्जी जो है ट्रांजिशन स्टेट की, जिसकी वजह से ये आसानी से रिएक्टेंट स्पीशीज में कन्वर्ट होते हैं और फौरन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब कैटालिसिस को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपेयरेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट स्पीशी। अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी एंड कैटालिस्ट सेम फेज में है, if the phase of reactant species and catalyst is the same, then catalysis is called homogeneous catalysis. If the phase of catalyst and reactant species is different, then catalysis is called heterogeneous catalysis. जिस वक्त आप लोगों के पास कैटालिस्ट जो है उसका फेज यानी कि सॉलिड लिक्विड या गैस फॉर्म, और रिएक्टेंट स्पीशी के भी सॉलिड या लिक्विड या गैस फॉर्म जो है वो दोनों ही इक्वल होंगी, एक ही फेज में होंगे, यानी कि दोनों ही या तो गैस फॉर्म में हों रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, या फिर लिक्विड फॉर्म में हों या फिर सॉलिड फॉर्म में हों, तो उस कंडीशन में हम कैटालिसिस को कहते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस। अगर रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो और रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में इन दोनों का फेज सेम नहीं होगा, दोनों ही सेम फेज नहीं होंगी, तो उस किस्म के कैटालिसिस को हम कहते हैं हेटरोजेनियस कैटालिसिस। वो वाले रिएक्शंस जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट स्पीशी जो है उनका सेम फेज होगा तो उसको हम होमोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं,
और वो वाले रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का सेम फेज नहीं होगा उसको हम हेटरोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे। सर जी, जी ये कैटालिस्ट जो है ना ये एक्टिवेशन एनर्जी को ऑनली इंक्रीज कर सकते हैं या ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं रिएक्टेंट्स के? ये जस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर करता है या हाइट बैरियर हाइट जो है उसको डिक्रीज करता है, इसकी ओरिएंटेशन पर कोई अफेक्ट नहीं करता है। ओके जी, जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास कैटालिस्ट जो है वो भी गैस फॉर्म में है और ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट स्पीशी है। अब रिएक्टेंट स्पीशी भी आप लोगों के पास कैटालिस्ट जो है गैस फॉर्म में है, इस तरह के रिएक्शन को जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जो है वो सेम फेज हों उसको हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। और इस तरह का रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो और रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो गैस फॉर्म में हो तो इस तरह के कैटालिसिस को हम हेटरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं, क्योंकि दोनों का फेज सेम नहीं है, डिफरेंट फेज है। अब जिस वक्त हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं एसिटा सर होमोजीनियस में अगर देखें तो अगर मतलब रिएक्टेंट का और जो कैटलिस्ट होगा वो तीनों सॉलिड में भी होमोजीनियस हो सकता है ना, फेस कोई भी हो सकता है, सिर्फ सेम होना चाहिए, ये मैं पूछना चाहूंगी। फेज सेम होना चाहिए रिएक्टेंट स्पीशी का और कैटलिस्ट का। अगर कैटालिस्ट और रिएक्टेंट स्पीशी का फेज डिफरेंट है तो फिर उसको हम हेटरोजीनियस कहेंगे। अगर रिएक्टेंट स्पीशी और कैटालिस्ट का फेज सेम है तो उस कंडीशन में उसको हम होमोजीनियस कहेंगे। जी जबैर, जबैर कुछ पूछना था? इसके बाद जिस वक्त हम ईथीन के हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, ये एग्जांपल है हेटरोजीनियस की जिसमें आप लोगों के पास निकल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और ईथीन और हाइड्रोजन गैस जो हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में होता है, कि आप लोगों के पास ये रिएक्शन जो है वो चार स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले रिएक्शन में क्या होता है, पहले स्टेप में ये होता है कि हाइड्रोजन गैस और ईथीन जो है वो दोनों ही निकल की सरफेस यानी सॉलिड कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर आकर अड्जॉर्ब होती हैं। सेकंड स्टेप में ये होता है कि हाइड्रोजन के दरमियान से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और इसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में से एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेप में एक हाइड्रोजन जो है एक कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और फोर्थ स्टेप में सेकंड हाइड्रोजन जो है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच होकर इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। जिस वक्त ये इथेन में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में ये निकल की सरफेस से रिमूव हो जाता है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी जो है जो गैस फॉर्म में मौजूद है पहले वो कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर आकर अड्जॉर्ब होती है, उसके बाद रिएक्टेंट स्पीशी के दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होना शुरू हो जाती है, थर्ड में जो है ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड बन जाते हैं, जिस तरह कार्बन और हाइड्रोजन का नया बॉन्ड बन गया है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक हो गया है। और फोर्थ स्टेप में प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट जो है वो कैटालिस्ट की सरफेस से रिमूव हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ये आप लोगों के पास मैकेनिज्म है हेटरोजीनियस कैटालिसिस का, तो जिस वक्त हेटरोजीनियस कैटालिसिस होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करता है उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है, और ये कुछ एग्जांपल गिवन है हेटरोजीनियस कैटालिसिस की जिसमें आप लोगों के पास कैटालिस्ट का रिएक्टेंट स्पीशी से डिफरेंट फेज है और इसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं।
मोस्टली जो है रिएक्शन आप लोगों के पास इंडस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं उनमें मोस्टली जो है आप लोगों के पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है, और ये इसके साथ इसकी एग्जांपल दी हुई है। इसमें मैंने कुछ स्लाइड ऐड की थी, मेरे ख्याल में वो इसमें से रिमूव हो गई है। मैं उसको डायरेक्ट ही बुक से बता देता हूँ कि आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह कैलकुलेट करते हो, इसके साथ आप लोग किस तरह मॉनिटर करते हो कि आप लोगों के पास कितने इंटरमीडिएट बनते हैं, इसके साथ आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह आप लोग कंट्रोल करते हो कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यूनि मॉलिक्यूलर है, बाई मॉलिक्यूलर है, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में से किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने केमिकल काइनेटिक्स में ये स्टडी किया था कि आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स जो है वो ये बताती है कि आप लोगों का रिएक्शन किस तरह हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, और कौन से फैक्टर रिएक्टेंट स्पीशी जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है। और आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कंज्यूम होती है, किसकी कम कंज्यूम होती है, और इसका पाथ जो है वो कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन से हासिल होती है। जब भी आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो या लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोग जिस तरह आप लोगों ने रेट ला पढ़ा था जिसमें आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, तो जो भी स्पीशी है जिसका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है उसकी मोलर कंसंट्रेशन को हम साथ में लिखते हैं, और उसके साथ अगर उसके नंबर ऑफ मोल ए हैं, बी हैं, सी हैं, जितने भी हैं उसकी पावर साथ में लिखते हैं। अब आप लोगों के पास ये एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन वाटर के साथ आप लोग करवाते हो, और जिसमें आप लोगों के पास टर्शियरी ब्यूटानॉल बनता है, इसके साथ आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड या HBr बनता है। अब इस कंडीशन में हम रेट ऑफ रिएक्शन जिस वक्त लिखते हैं तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये भी हमें केमिकल काइनेटिक्स बताती है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है या इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है या दोनों की रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब इसको हम किस तरह चेक करते हैं कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह किस कंसंट्रेशन पर अफेक्ट कर रहा है। आप लोगों ने पीसी वन में एक्सपेरिमेंट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड सेकंड ऑर्डर तक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें आप लोग एक स्पीशी के कंसंट्रेशन को वेरी करते थे और दूसरी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते थे, यानी कि इन दोनों में से एक की कंसंट्रेशन को आप लोग चेंज करोगे और एक की कंसंट्रेशन को फिक्स रखोगे। सपोज आप लोगों 1 ml वाटर लेते हो, पहले में इसकी मोलरिटी जो है वो 1 molar है, दूसरे में आप लोग लिखते हो 2 molar, उसके बाद 3 molar, उसके बाद 4 molar, और उसके बाद चेक करते हो कि इसके रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई अफेक्ट होता है या नहीं होता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है तो इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम इसकी कंसंट्रेशन की बेस पर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे केस में हम इसकी वैल्यू को फिक्स रखेंगे और वाटर की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई अफेक्ट होता है या नहीं होता है। तो आप लोगों के पास रिजल्ट ये आता है कि वाटर की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट नहीं होता,
लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट होता है। इसका मतलब है कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर रही। वाटर की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट ला के मुताबिक लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी, एंड दीज स्पीशी जो जिसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है। तो वाटर के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वाटर की कंसंट्रेशन हम नहीं लिखेंगे। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन चेंज करने से इसके रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन ही लिखेंगे, दूसरे की कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे। इसी तरह दूसरा रिएक्शन है जिसमें आप लोग फार्मिक एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, जिसके जरिए आप लोगों के पास एच प्लस आइन, ब्रोमाइड आइन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। इसमें भी आप लोगों ने किस तरह करना है, आप लोगों ने चेक करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर किसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट कर रही है, जिसमें आप लोग एक स्पीशी को कांस्टेंट रखते हो और दूसरे की कंसंट्रेशन चेंज करते हो। इसमें पहले स्टेप में इसकी कंसंट्रेशन सपोज हम कांस्टेंट रखते हैं और इसकी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। सपोज पहले हमने 1 मोलर ब्रोमीन का सोल्यूशन यूज़ किया, उसके बाद 2 मोलर ब्रोमीन का सोल्यूशन यूज़ करते हैं, उसके बाद 3 मोलर का करते हैं, फिर 4 मोलर का, 5 मोलर का, और उसके बाद हर सोल्यूशन के लिए, हर रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू डिफरेंट आती है तो इसका मतलब है ब्रोमीन की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट कर रही है। इसके बाद हम इसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, ब्रोमीन की जो कंसंट्रेशन उसी कांस्टेंट रखते हैं और फार्मिक एसिड की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। और अगर उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि दोनों की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट कर रही है, और उस कंडीशन में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। और अगर फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ ब्रोमीन की कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है, तो उस कंडीशन में हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, जिसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट नहीं करेगी, उसको हम उसकी कंसंट्रेशन को रेट ऑफ रिएक्शन में हम नहीं लिखेंगे। अब इनके कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट किस तरह करते हैं, कि हमें किस तरह पता चलता है कि कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन की या किसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करेगी और किसकी नहीं करेगी, इसके लिए हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। कि आप लोगों के पास एक रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में नहीं होता, मल्टीपल स्टेप में होता है। कि आप लोगों का रिएक्टेंट जो है एक ही स्टेप के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और वो किस तरह कन्वर्ट होता है, उसकी एक एग्जांपल है कि आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ओवरऑल जिस वक्त हम रिएक्शन लिखते हैं तो वो सिंगल स्टेप में लिखते हैं, कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया है, तो आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है और इसके साथ आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन इस तरह नहीं होता है, आप लोगों के पास पहले स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कोलिजन करती है,
जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनता है, उसके बाद नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके साथ आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब बेसिकली इसके दो स्टेप होते हैं, सिंगल स्टेप नहीं होता है। और उसके बाद आप लोग ओवरऑल रिएक्शन को चेक करते हो, आप लोगों का रिएक्शन जो है वो किसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, कि कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट है और कौन सा स्लो है, क्योंकि आप लोगों ने दोनों के लिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना होता है। जिसके लिए कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी या जिसका फास्ट रिएक्शन होगा, इसका मतलब है कि उसकी कंसेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन जो स्लो रिएक्शन होगा जिसका, उसकी कंसेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट कर रही है। ये एग्जांपल है आप लोगों के पास कि आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आप लोगों के पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये आप लोगों के पास ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन काइनेटिक्स आप लोगों को ये बताती है कि पहले क्या हुआ है, उसके बाद क्या बना है, उसके बाद तीसरे पॉइंट पर क्या बना है, या कितने स्टेप के बाद आप लोगों का रिएक्शन जो है वो कम्प्लीट हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स ये कहती है कि पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कुलियन शॉक हुई है, एक दूसरे के साथ टकराए हैं, टकराने के बाद आप लोगों के पास प्रोडक्ट बना है नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड गैस। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब जिस वक्त हम ओवरऑल रिएक्शन करते हैं तो वो वाली स्पीशी जो आप लोगों के पास कंज्यूम हो जाती हैं या बनती हैं उसके बाद कंज्यूम हो जाती हैं, तो उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जिस तरह ये आप लोगों के पास नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनी थी, इसी जो स्टेप में कंज्यूम हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। इसी तरह ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है और यहाँ पर दो मोल में से एक मोल जो है वो यूज हो रहा है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है। बाकी वैल्यू अपने पास क्या बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एरो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन, और हर स्टेप वाले रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। कंडीशन में कुलियन जो ओरिएंटेशन है कुलियन के दौरान वो भी होना मस्ट है। ये आप लोगों के पास पिक्चर के जरिए शो की हुई है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये ऑक्सीजन पहले नाइट्रोजन के साथ कुलियन करता है, बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के साथ इस ऑक्सीजन का ब्रेक हो जाता है। पहले स्टेप में आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट बनता है। अब सेकेंड स्टेप में ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन के साथ जो है वो कोलिजन शो करता है। अगर इसी कोलिजन इस ऑक्सीजन के साथ होती है, तो उस कंडीशन में कोलिजन जो है वो सूटेबल नहीं होगी, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन की कोलिजन इस कार्बन के साथ होगी, तभी आप लोगों के पास फ्रूटफुल कोलिजन होगी, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब जो रिएक्शन जो रिएक्टेंट स्पीशी या बनी है और उसके बाद कंज्यूम हो चुकी है, ओवरऑल रिएक्शन में हम उसको नहीं लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये वाली स्पीशी इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ कैंसिल हो गया, बाकी की नेट रिएक्टेंट में जो वैल्यू होगी उसको हम रिएक्टेंट वाली साइड पर लिख देंगे, और जो प्रोडक्ट वाली साइड पर आप लोगों के पास जो वैल्यू बचेगी उसको हम प्रोडक्ट वाली साइड पर लिख देंगे, और उस वो इक्वेशन आप लोगों के पास ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन होगी।
इसी तरह सेकंड एग्जांपल जो है वो गिवन है कि आप लोगों के पास ओजोन से ऑक्सीजन गैस बनती है। अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो उस कंडीशन में ओ थ्री इज इक्वल टू ओ टू बन जाता है, इसके अलावा इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, यह आप लोगों के पास ओवरऑल रिएक्शन होता है। लेकिन जिस वक्त हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं तो उस कंडीशन में ओजोन पहले डिकम्पोज होती है ऑक्सीजन गैस के अंदर और उसके बाद एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर, इसके बाद सेकंड फेज में यह एटॉमिक ऑक्सीजन जो है दोबारा से ओजोन के साथ कोलिजन शो करती है जिसके जरिए आप लोगों के पास ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब हम किस तरह बता सकते हैं कि इस स्टेप के अंदर आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट बन रही है या इसके ज़रिए बन रही है। अगर आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बाई मालिक्यूलर है या ऑर्डर जो है वो बाई मालिक्यूलर है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट स्पीशी के दो मोल यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन के दौरान। और अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी का या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन हासिल होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी का सिर्फ एक ही मोल यूज़ होगा जिसके ज़रिए आप लोगों के पास ऑक्सीजन गैस बनेगी। अगर हम इस इक्वेशन के ज़रिए हम ऑर्डर या रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में ऑर्डर इसका वन होगा और रिएक्शन जो है वो यूनि मालिक्यूलर रिएक्शन होगा क्योंकि सिर्फ इसके नंबर ऑफ मोल्स वन है। लेकिन जिस वक्त हम इस स्टेप को देखते हैं तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास एक ओजोन मालिक्यूल है, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स वन है, इसी तरह एक एटॉमिक ऑक्सीजन है, इसका नंबर ऑफ मोल्स भी वन है। दोनों को सम करते हैं तो हमारे पास मालिक्यूल ये नंबर ऑफ मोल्स जो है वो टू हासिल होते हैं। और वो स्पीशी जिसमें रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स टू हों उनको हम बाई मालिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, और वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स वन हों उसको हम यूनि मालिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह हम बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यूनि मालिक्यूलर है या बाई मालिक्यूलर है, क्या रिएक्शन जो है पहले किस स्पीशी में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ है, और थर्ड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट में आप लोगों की एक जो है इसके बाद है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि आप लोगों के पास जो भी रिएक्शन होता है उसमें कुछ स्टेप जो है वो फास्ट होते हैं, कुछ जो है वो स्लो होते हैं। जिस तरह अभी आप लोगों के पास रिएक्शन था कि जिसमें आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही थी, अब ये टू स्टेप में रिएक्शन होता है। अब पहला स्टेप जो है वो फास्ट होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ स्लो होता है जिसमें आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कोलिजन करता है, जिसके जरिए आप लोगों के पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और इसके साथ नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड गैस बनती है। अब ये स्टेप स्लो है यानी कि इस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम बनती है। इसके बाद जितनी कंसंट्रेशन बनती है वो फौरन से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और वो स्टेप जो आप लोगों के पास स्लो होगा, सबसे जितने भी स्टेप हैं उनमें सबसे स्लो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और उसकी ही कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम इन दोनों का रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करेगी। इसका मतलब है कि आप लोग जिस वक्त इसी कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करते हो, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा होता है। लेकिन जिस वक्त आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जो इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन
रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड के रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। और इस तरह हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है और इसके साथ कौन सी स्पीशी है जिसको हम कम या ज़्यादा करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा हो सकता है, कितने स्टेप में आप लोगों का रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, आप लोगों का रिएक्शन जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर है या बाई मॉलिक्यूलर है। और इसके साथ ही आप लोगों की चैप्टर भी कंप्लीट होता है और इसके साथ आप लोगों को एक असाइनमेंट है जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है और जमा करवानी है फ्राइडे तक, और वो असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वो आप लोग नोट कर लें। सर अब फिर न्यूमेरिकल तो नहीं है तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? सिंपल है कि आप लोगों ने इसी तरह जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनको फाइंड आउट करना है या केमिकल इक्वेशन जिस तरह आप लोगों को पहले लिखी हुई थी कि रेट ऑफ रेट ला के मुताबिक केमिकल इक्वेशन किस तरह लिखते हैं उसको करना है, क्योंकि अगर आप लोगों को वैसे मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने नहीं करना, इसी वजह से मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ। असाइनमेंट के लिए आप लोगों ने ये सॉल्व करने ही करने हैं। अब आप लोगों ने जो क्विज भी ले ले अगर हो सके तो। सर जी ये टोटल इस बार कम न्यूमेरिकल्स होंगे सर? इस दफा शॉर्ट न्यूमेरिकल है, शॉर्ट न्यूमेरिकल है कि जस्ट आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है। ओके सर, बस पहले वाले कुछ जिस तरह पहले कंसंट्रेशन के जरिए हम फाइंड आउट कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन वो कर सकते हैं, इसके बाद केमिकल इक्वेशन लिखते हैं बस, इसके अलावा ज्यादा नहीं है। आप लोगों के न्यूमेरिकल जो हैं वो 13.52 से लेकर 13.58 तक, उसके बाद 13.63 से लेकर 13.66 तक, और उसके बाद 13.94 से लेकर 13.100 तक। एक दफा दोबारा से सुन लें, जो आप लोगों की थर्ड असाइनमेंट है इसमें आप लोगों ने 13.52 से लेकर 13.58 तक न्यूमेरिकल करने हैं, उसके बाद 13.63 से लेकर 13.66 तक न्यूमेरिकल करने हैं, और उसके बाद 13.94 से लेकर 13.100 तक न्यूमेरिकल सॉल्व करके जमा करवाने हैं टिल फ्राइडे तक, और ये आप लोगों ने LMS पे अपलोड करने हैं। अच्छा सर, क्या सर सैटरडे तक कर दें? पहले सैटरडे तक जमा करवा दें। सर क्या पीसी की भी प्रेजेंटेशन होगी? सॉरी पीसी की भी प्रेजेंटेशन होगी? नहीं, पीसी 1 पीसी 2 में प्रेजेंटेशन नहीं होती है, इसमें आप लोगों का सिर्फ क्विज़ और असाइनमेंट होती है। अब फाइनल का पैटर्न बाद में डिसाइड होगा कि फाइनल आप लोगों को किस तरह का होता है। सर MCQs टाइप क्विज भी ले ले। MCQs टाइप क्विज भी ले लें? किस तरह ले लें यार, उसमें तो चीटिंग ही बड़ी होगी। सर असाइनमेंट ही ठीक। सर सर जी जी बोलें। सर वो LMS पर तो यानी कि अपलोड नहीं होती, फिर हमने ना एक दिन पहले ही आपको ना मेल कर दी। टाइम के दौरान आप लोग मेल कर सकते हो अगर LMS पर अपलोड नहीं होती तो। जी जी ओके सर, ओके थैंक यू सो मच जी। सर मेरे प्रेजेंट का वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। सबसे पहले अहमद दिया, अलिशबा, आमना जावेद प्रेजेंट, अरिहा लियास प्रेजेंट, आयशा ताहिर प्रेजेंट सर, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कासिम,
मुशर्रफ हुसैन प्रेजेंट सर। वकार अनवर सर मार्क्स कब हमारे अपलोड होंगे? जो आप लोगों को चेक हुए थे वो तो हो गए क्योंकि असल में असाइनमेंट का ऑनलाइन सिस्टम है और ऑनलाइन को चेक करना बड़ा यानी कि टफ टाइम होता है, यानी कि टाइम ज्यादा लगता है उसमें। जो हार्ड फॉर्म में होता है तो उसको चेक करना आसान होता है, घर जाके भी चेक कर सकते हैं आराम से बैठकर जो भी यानी कि है। अब असाइनमेंट को हर एक को अलग-अलग चेक करना और फिर ये भी मॉनिटर करना है कि किसी स्टूडेंट ने चीटिंग तो नहीं की है, क्योंकि अगर अदरवाइज अगर चीटिंग करोगे तो उस कंडीशन में दोनों के नंबर कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के 0-0 नंबर लगेंगे, इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए फिर वो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जिस वक्त तो चेक हो जाएंगे फिर फौरन से अपलोड भी हो जाएंगे। ठीक है अब आप लोग लीव कर सकते हो।